बुरहानपुर से विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भैया के खिलाफ पूर्व मंत्री विजय शाह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना नाराज है। सेना की नाराजगी पापर चौराहा पर दिखाई दी। सेना के कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी व्यक्त करने के साथ शाह का पुतला फूका और उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। अपने बयानबाजी से चर्चाओं में रहने वाले पूर्व मंत्री विजय शाह की जुबान एक बार फिर उस वक्त फिसल गई जब वो भाषण दे रहे थे। शाह ने अपने भाषण में बुरहानपुर से विधायक शेर सिंह राणा को अपने अंदाज में ललकारा और कहा कि शेरा हो तो सामने आओ, किसान की लड़ाई लड़ो, चूहे बनकर क्यों बैठे हो, कौन से बिल में छिपा बैठा है शेरा, समझ में नहीं आता, अगर केले के खेत में चूहा घुस जाए तो क्या होगा, सबको पता है, मदद नहीं करेगा, बर्बाद कर देगा। शाह ने यह भी कहा कि विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को अगर किसान के बेटे हो तो छोड़ो, सरकार का साथ आओ, किसान के साथ। उन्होंने शेरा के मंत्री बनने पर सार्वजनिक रूप से व्यंग भी कसा, जिसके बाद नाराज सेना ने शाह का पुतला फूंका। पूर्व मंत्री विजय साई जी ने हमारे माननीय विधायक जो कि जनप्रतिनिधि हैं और निर्दलीय विधायक हैं, उनकी उनके लोकप्रियता का अंदाज इस बात से होना चाहिए कि बिना किसी पार्टी के बैनर तले उन्होंने अपने आप को साबित किया है और बुरहानपुर से विधायक बने हैं। और माननीय शेरा भैया के बारे में उन्होंने गलत शब्दों की टिप्पणी की है कि शेरा भैया ने काम क्या किया, ऐसा उनका कहना है, उस नाम के शेरा हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले वो अपने आईने में अपने आप को देखें कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में क्या काम किया है। हमारे शेरा भैया ने ना सिर्फ राष्ट्रीय समाज बल्कि पूरे समाज को लेकर चले हैं, उनके बारे में गलत टिप्पणी की है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि बिल्कुल हम लोग तो कानून के दायरे में रहकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कोई भी करते नहीं। मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी थी तो विजय साय जी के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने इस प्रकार गलत टिप्पणी की, तो यदि वो लोग कार्रवाई करते, कानून व्यवस्था कार्रवाई करते, तो हम लोग विरोध नहीं करते। और हम धर्मेंद्र सिंह गौतम, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय छत्री महासभा। इस पुतला दहन कार्यक्रम में करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 1 न्यूज, इंदौर।